उस भिक्षु ने बुद्ध को कहा कि लगभग रुमाल बदल गया है। यह सूत्र कहता है कि यह जो सारे जगत को दिखाई पड़ता है इस भेद का, यह लगभग झूठा है। लगभग झूठा यह बड़ी कीमती दार्शनिक धारणा है और इसको थोड़ा समझ लेना भी जरूरी है, क्योंकि लगभग झूठे का मतलब क्या होगा? कोई चीज झूठी हो सकती है, समझ में आती है, पर लगभग झूठी का क्या मतलब होता है? कोई चीज सच है, सत्य है, समझ में आती है। कोई कहे लगभग सच, उसका क्या मतलब होगा? वह लगभग तो सब गड़बड़ कर देता है। जैसे आप किसी से कहे कि मुझे आपसे लगभग प्रेम है, सब गड़बड़ हो जाता है। प्रेम हो तो कह दो कि है, न हो तो कह दो कि नहीं है। लगभग प्रेम क्या है? इसको प्रेम कहे या अप्रेम कहे? कहें कि फलां आदमी लगभग साधु है, इसका क्या मतलब होगा? यह शब्द बहुत ही कीमती है और भारतीय चिंतना में बड़ा मूल्यवान है। और एक नई कैटेगरी, एक चिंतन का नया तल भारत ने निर्मित किया है। सारे जगत के चिंतन में दो विचार कोटियां हैं, एक तो है सत्य की और दूसरी है असत्य की। भारतीय चिंतना में तीन विचार कोटियां हैं, सत्य की, असत्य की और लगभग की, यानी बीच की। ये तीसरी कोटि है। इस लगभग झूठ को या लगभग सत्य को हमने कहा है माया, हमने उसे कहा है मिथ्या। तो हमने तीन शब्द निर्मित किए हैं, सत्य, असत्य और मिथ्या। तो हम सोचेंगे कि मिथ्या क्या है। सामान्य तौर पर, आम तौर पर लोग समझते हैं कि मिथ्या का अर्थ असत्य है। नहीं, कभी भी मिथ्या का अर्थ असत्य नहीं होता। मिथ्या का अर्थ होता है सत्य और असत्य के बीच में। सत्य और असत्य के बीच में अर्थ हुआ कि जो असत्य है लेकिन सत्य जैसा भासता है। एक रस्सी पड़ी है और आपको सांप मालूम पड़ रही है और अंधेरे में आपके छक्के छूट गए, आप बिल्कुल भाग खड़े हुए हैं, आप पर पसीना छूट रहा है, छाती की धड़कन बढ़ गई है और किसी ने कहा कि नाहक परेशान हो रहे हो, यह लालटेन ले लो और चले जाओ। सांप वगैरह नहीं है, खाली रस्सी पड़ी है। आपने देखा प्रकाश में केवल रस्सी है, तो जो सांप दिखाई पड़ा था उसे क्या कहिएगा? सत्य तो वह नहीं था, असत्य भी नहीं कह सकते, क्योंकि उसने काम तो सत्य जैसा ही किया था। भाग खड़े हुए थे आप वैसे ही जैसे सच्चे सांप से भागते हैं। आपको पसीना आ गया था और पसीना बिल्कुल सच था, और पसीना झूठे सांप से आया था, और छाती की धड़कन बढ़ गई थी और डर लगा था कि कोई हृदय का दौरा तो नहीं पड़ जाएगा, पड़ भी सकता था और आप मर भी सकते थे। बड़ी कठिनाई यह है कि जो सांप था ही नहीं, उससे असली दौरा कैसे पड़ गया?
लेकिन जो साफ है ही नहीं उससे असली हृदय का दौरा पड़ सकता है। इसका मतलब कि भारतीय चिंतन उस साफ को बिल्कुल असत्य कहने को तैयार नहीं है। सत्य तो है ही नहीं, क्योंकि खोज पर पता चलता है कि वहाँ तो रस्सी पड़ी है, और असत्य भी नहीं है क्योंकि परिणाम बिल्कुल जैसे सत्य हो वैसे होते हैं। इसे भारत कहता है लगभग असत्य या लगभग सत्य, मिथ्या या माया। यह तीसरी बीच की कैटेगरी है। अंग्रेजी में इसके लिए अनुवाद करना मुश्किल है। दूसरी भाषाओं में इसके लिए शब्द खोजना मुश्किल हो जाता है, और जो भी अनुवाद होते हैं वे असत्य का अर्थ रखते हैं, मिथ्या का नहीं। मिथ्या बिल्कुल शुद्ध भारतीय शब्द है। मिथ्या का अर्थ ख्याल में ले लें जो नहीं है लेकिन है जैसा मालूम पड़ता है, और ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं हैं और है जैसी मालूम पड़ती है। इसीलिए भारत कहता है उनके लिए एक अलग कैटेगरी है, एक अलग कोटि निर्मित करना जरूरी है। इन विचारों से हम केवल मिथ्या के बारे में जान पाए हैं, बाकी अगले अध्याय में।